हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्लास 10th की ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी एंड सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू पी सी अपॉन एम पी। यानी यहाँ पे जो हमें फिगर दी गई है उसमें ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसके कोण बी और एम समकोण हैं और हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जिसमें हमारा एम यानी ये एंगल 90 डिग्री का है और बी यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पार्ट लेते हैं जहाँ पे हमें ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी जो हैं वो सिमिलर प्रूफ करने हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ये हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब ए बी सी में देखें तो क्लियर हमें ये तो बता ही रखा है एंगल बी एंड एंगल एम आर राइट एंगल यानी दोनों ही 90 डिग्री के हो गए। तो एंगल बी जो है वो है पार्ट ट्राइंगल ए बी सी का और एंगल एम जो है वो पार्ट है ट्राइंगल ए एम पी का। तो ये दोनों इक्वल हैं, रीज़न क्या है, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। साथ ही साथ अब यहाँ देखें ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी है दोनों के पास एंगल ए जो है वो कॉमन है। यानी ये जो ए बी सी यानी ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी हमारे पास एंगल ए आ रहा है और ए एम पी यानी ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें भी हमारे पास एंगल ए आ रहा है। इट मीन्स एंगल ए जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और ये क्या है, ये है कॉमन। अब दोनों ट्राइंगल्स में हमें एंगल बी और एंगल ए ये दो मिल गए हमें। तो इट मीन्स यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। हो गया प्रूव, ये तो फर्स्ट पार्ट कितना इजीली प्रूव हो गया ना। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अब क्लियरली जब हमारे पास हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल ए एम पी के, तो ऑब्वियसली जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास CA यानी ABC का जो हमारा हाइपोटेनस है तो CA, और जो हमारा AMP है उसका हाइपोटेनस क्या है, PA यानी ये वाली साइड। तो CA अपॉन PA किसके इक्वल हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लेते हैं ट्राइंगल ABC में हमारे पास जो हाइपोटेनस तो हमने ले ही लिया है, अब हमसे बेस कहें या परपेंडिकुलर, ये हमारे पास BC हमें मिल गया। और सेम हम AMP में देखें तो हमारे पास MP जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ मिल गया हमें BC अपॉन MP। तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल हो गया। और रीज़न क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है, ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट वन, हम ये प्रूफ कर चुके हैं, तो इसलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है उसे इक्वल कर सकते हैं। तो देखा कितना ईजी है इसका सॉल्यूशन, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।